हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग पाकिस्तानी फिल्म जिसका टाइटल है ढाई चाल। ये एक स्पाई थ्रिलर और एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसकी रिलीज डेट फाइनली अनाउंस की जा चुकी है। दोस्तों, पहले ये फिल्म 3 मार्च 2023 को रिलीज की जाने वाली थी, मगर कुछ वजूहात की बिना पर ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं की गई। लेकिन अब फाइनली मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है कि ये फिल्म इसी साल रिलीज की जाएगी। आप इस फिल्म को 8 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में देख सकते हैं। वेल गाइस, इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो ये फिल्म भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत और बलूचिस्तान से गिरफ्तार किए गए भारतीय एजेंट अभिनंदन की स्टोरी पे बेस है। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए तो फिल्म ढाई चाल में हुमायूं अशरफ, आयशा उमर, शमून अब्बासी और दिग्गज सेलिब्रिटीज अहम किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। वेल गाइस, इस मूवी में शमून अब्बासी भारतीय एजेंट अभिनंदन का रोल प्ले करेंगे और आयशा उमर इस फिल्म में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। ढाई चाल को डायरेक्ट किया है तैमूर शेराजी ने, जिसकी स्क्रिप्ट को लिखा है फरीद चौधरी ने। वेल गाइस, इस मूवी की प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये फिल्म डॉक्टर इरफान अशरफ ने हम फिल्म्स के बैनर के अंदर तैयार की है। उम्मीद की जाती है कि ये फिल्म पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी फिल्म साबित होने वाली है। वेल गाइस, ये थी आज की वीडियो। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि कौन कौन ये मूवी देखने के लिए एक्साइटेड है, कौन कौन इस मूवी का काफी सालों से इंतजार कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।